Hello students, good morning. In last lecture we see exercise of unit 1. Exercise में हमने देखा था, जो मतलब हमारे एक option देखे थे हमने, filling the blanks देखे थे हमने, then missing letters देखे थे. Now today is match the following. Match the following में हमें animals दिए गए हैं आपको. A sparrow, rabbit, cow and fish. और दूसरी प्लेस पे उनकी प्लेसेस दी गई है जहाँ पे वो रहते हैं. मीन्स कौन सा एनिमल्स कैसे, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा रहा था कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ट्रीज पे रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो लैंड में रहते हैं. तो पहले हम देखते हैं स्पैरो. तो वी ऑल नो वेरी वेल स्पैरो, वेयर इज लिव. तो हमें यहाँ पे उसे मैचिंग करना है. स्पैरो ऑन लैंड, इन वाटर, ऑन ट्रीज, अंडर द ग्राउंड. सो विच वन इज करेक्ट हियर? यस राइट, ऑन ट्रीज. सो फर्स्ट इज सी, राइट. फर्स्ट इज सी. देखते हैं हम सेकेंड रैबिट. तो सभी को पता है रैबिट कहाँ पे रहता है? लैंड में रहता है? नो. इन वाटर? नो. ट्रीज? नो. अंडर द ग्राउंड. सो डी इज द करेक्ट आंसर. थर्ड इज काउ. सभी को पता है काउ कहाँ पे रहती है? ऑन लैंड. वेरी. नाउ फोर्थ नंबर इज फिश. तो फिश भी हमें पता है कि वो कहाँ पे रहता है, राइट. फिश लिव इन वॉटर, राइट. तो ये यहाँ पे एनिमल्स थे और ये यहाँ पे उनके रहने की प्लेसेस थी, राइट. तो यहाँ पे इस तरह से मैचिंग करना है, आपको लाइंस ऐसे ड्रॉ नहीं करनी है, राइट. आपको इस तरह से ही नीचे मैचिंग लिखना है. डोंट ड्रॉ द लाइंस हियर एंड देयर, ओके. नेक्स्ट इज सेम हियर, मैच द फॉलोइंग, बट हियर इज अ एनिमल्स इज गिवन हियर एंड हियर इज हाउ दे वॉक. जैसे कि मैंने यूनिट में पढ़ाया था आपको कि सम एनिमल्स आर वॉकिंग, सम एनिमल्स आर फ्लाइंग, सम एनिमल्स आर क्रॉलिंग एंड सम एनिमल्स आर हॉपिंग. तो देखते हैं यहाँ पे भी कौन से एनिमल्स को क्या मैच होता है, राइट. फर्स्ट इज अ कांगरू. तो कांगरू क्या करता है, कांगरू कैसे चलता है? इट्स क्रॉलिंग? नो. वॉकिंग? नो. फ्लाइंग? नो. कांगरू इज हॉपिंग, राइट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज हॉप. कांगरू कैसे चलता है? हॉप, जंप करके. देन स्नेक. तो सभी को पता है स्नेक कैसे चलता है? स्नेक इज वॉकिंग? नो. स्नेक इज अ क्रॉलिंग. स्नेक क्या करता है? क्रॉलिंग करता है, अपनी पूरी बॉडी जो है वो ग्राउंड पे स्ट्रेच करता है. थर्ड इज एलिफेंट. एलिफेंट, तो एलिफेंट क्या करता है? क्रॉलिंग करता है एलिफेंट? नो. इट्स अ वॉकिंग. एलिफेंट क्या करता है? वॉकिंग करता है. थर्ड का जो आंसर है वो क्या आएगा? बी, राइट. लास्ट इज हनी बीज. हनी बीज सबको पता है हनी बीज क्या कैसे चलती है? हनी बीज इट्स अ क्रॉलिंग? नो. बी इज वॉक. हनी बीज आर वॉकिंग? नो. हनी बीज आर फ्लाइंग. हनी बीज आर फ्लाइंग. सो हियर इज द ऑल द मैचिंग्स आर हियर, राइट. हियर इज द प्लेसेस ऑफ एनिमल्स एंड हियर इज द वॉकिंग स्टाइल. सो बोथ एक्सरसाइज यू राइट इन योर नोटबुक्स, राइट, एंड सेंड मी योर होमवर्क. थैंक यू.